हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जोधपुर में सिर्फ 8 रुपए में मिलेगी सब्जी, दाल और रोटी। 12 स्थानों पर शुरू होगी इंदिरा रसोई योजना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के संकल्प मेरे प्रदेश में कोई भूखा ना सोए को साकार करने के लिए नगरीय निकायों में 20 अगस्त से इंदिरा रसोई योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत 8 रुपए में एक सब्जी, दाल और रोटी दी जाएगी। जोधपुर नगर निगम क्षेत्र में 12 स्थानों पर और जिले की 4 नगर पालिकाओं फलौदी, पीपाट शहर, बिलाड़ा और भोपालगढ़ में एक एक इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ किया जाएगा। इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर भवन, फर्नीचर, खाद्य सामग्री बनाने के संस्थानों की व्यवस्था कर ली गई है। योजना के पदेन सचिव और कोषाध्यक्ष, समन्वय व मॉनिटरिंग समिति नगर निगम के आयुक्त RS तोमर और नोडल अधिकारी ADM ML नेहरा ने बताया कि जोधपुर शहर में 16 स्थानों पर इंदिरा रसोई योजना संचालित की जानी है, लेकिन वर्तमान समय में इसको 12 स्थानों पर शुरू किया जाएगा, जिसमें कबीर नगर आश्रय स्थल, फिदूसर चौपट भूमिया जी का स्थान, गोकुल जी की प्याऊ आश्रय स्थल, रेगर समाज छात्रावास, अनाज मंडी, कृषि मंडी, बारहड़ी रोड चौराहा आश्रय स्थल, सुभाष चौक आश्रय स्थल, एम्स के सामने SI ऑफिस, रेलवे स्टेशन जाड़े जी की बगीची, पंडित दीनदयाल उपाध्याय भवन, पहला पुलिस आश्रय स्थल, भगत की कोठी आश्रय स्थल पर शुरू की जाएगी। इसके साथ ही फलौदी में पुराना सामुदायिक भवन नगर पालिका फलौदी के पास, पीपाड़ में आश्रय स्थल नया बस स्टैंड पर, बिलाड़ा में आश्रय स्थल केंद्रीय बस स्टैंड के पास और भोपाल में चयन प्रक्रियाधीन है। इस इंदिरा रसोई योजना में सुबह 8 से दोपहर 1 बजे तक और शाम को 5 से रात 8 बजे तक खाने की व्यवस्था रहेगी। इसमें प्रत्येक रसोई केंद्र पर सुबह शाम 300 लोगों को 100 ग्राम सब्जी, 100 ग्राम दाल और 250 ग्राम रोटियां मिलेंगी, जिसकी कीमत 8 रुपए ली जाएगी। इसमें सरकारी स्तर पर फंड की व्यवस्था करने के साथ समाज सेवी भी नगद और चेक से भुगतान कर जरूरतमंदों को भोजन की व्यवस्था कर सकेंगे। जैसा कि आपको पता है कि दिनांक 20 अगस्त को श्रीमान जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय, उनके निर्देशानुसार इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ होना है, जिसमें कि नगर निगम शहर जोधपुर में 16 रसोईयां और बाकी जो हमारी 4 नगरीय निकाय हैं उनमें एक एक रसोई, टोटल 20 रसोइयों का चयन किया जा चुका है। इनमें बाकी गतिविधियां पूरी हो गई हैं और कल से इनका शुभारंभ होगा। शहर नगर निगम में 13 जगह चिन्हित की गई हैं, 3 जगह जो कि अस्पतालों के अंदर होंगी उनकी बाकी भी प्रक्रिया की जा रही है और इन सभी का शुभारंभ कल हमारे मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया जाएगा। इनकी जो टाइमिंग रहेगी वो लंच की 8:30 से 1 बजे तक और शाम की 5 बजे से 8 बजे की होगी और निगम क्षेत्र में 300 व्यक्ति प्रति रसोई एक समय में खाना उपलब्ध कराया जाएगा। खाने की जो प्राइस रहेगी 8 रुपये किसी भी व्यक्ति से ली जाएगी और इसके अलावा 12 रुपये का अनुदान राज्य सरकार जो संस्था है जो चलाएगी उसको अपनी तरफ से देगी। जागरूक टीवी के लिए जोधपुर से मुकेश शिमर की रिपोर्ट।